नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हर दिन सामने आती हैं जिसमें बुजुर्गों को खुद उनके बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और वृद्ध हो चले माँ बाप की देखभाल करने के लिए यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया है। राज्य के विधि आयोग ने वरिष्ठ नागरिक रख रखाव कल्याण अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश किया है। उस प्रस्ताव के पास होने पर सरकार एक कानून बना देगी जिसमें माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बेटों को माता पिता की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल योगी सरकार जल्द ही बुजुर्ग हो चले माता पिता की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी में है। मिली जानकारी के मुताबिक अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की ठीक ढंग से देखभाल नहीं करते हैं तो वो संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने सीएम को सौंपे अपने इस प्रस्ताव में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून 2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो माँ बाप की तरफ से अपने बच्चे या वारिस को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दान पत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो बुजुर्ग माँ बाप अपनी संतानों को दी गई प्रॉपर्टी को शिकायत करके वापस ले सकेंगे और उत्तराधिकारी इस संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाएगा। और तो और, अगर वृद्ध माँ बाप की देखभाल उनके बच्चे या रिश्तेदार उनके ही घर में रहकर नहीं करते हैं तो ऐसे में बुजुर्ग दंपत्ति उनको अपने आवास से निकाल सकते हैं। ऐसे में अब यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार के समक्ष इस प्रस्ताव को पेश किया है। वहीं योगी सरकार जल्द से जल्द इस प्रस्ताव पर मोहर लगाकर इसे कानून बनाने की तैयारी में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।